राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस तरीके से तीन तलाक बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है सदन के अंदर, राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया, सेलेक्ट कमेटी में इसको भेजे जाना था, इसी पर सहमति नहीं बन पाई जी। सहमति नहीं बन पाई इसलिए कि इस बिल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इस कानून की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों की जो पवित्र किताब है कुरान, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे तलाक होगी और कैसे ज़िंदगी के और उसूल हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार कह रही है कि ये बिल लाना था और इसीलिए उसको जल्द से जल्द पारित कराना था। लेकिन सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए ही क्यों, और भी महिलाओं की डाइवोर्स और धर्मों में भी डाइवोर्स होती हैं, और बहुत सी जगह पर डाइवोर्स के रेट्स जो हैं वो मुस्लिम महिलाओं से भी ज़्यादा हैं। सरकार कह रही है कि सुधारवादी कदमों का विरोध कर रहा है विपक्ष। नहीं, कोई सुधारवादी ये विरोध नहीं है। सुधार तो और बहुत सी चीज़ों में भी सुधार आने चाहिए, जो कि सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही। धन्यवाद। और तंजीम फातिमा जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और आजम खान की बीवी हैं, वो राज्यसभा में सांसद हैं, लिहाजा इस बिल का विरोध करते हुए वो कह रही हैं कि सरकार यह सिर्फ एक धर्म विशेष की भावनाओं को लेकर वो उससे जुड़े बिल को पारित कराना चाहती है सियासी लाभ के लिए, लिहाजा इसको सेलेक्ट कमेटी पर अगर भेजने की मांग विपक्ष कर रहा है तो विरोध किस बात का। कैमरामैन गजेंद्र सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।